फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। सो मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। बैंगलोर का वेदर अच्छा है, सनी है। और आप लोग कैसे हैं? कैसे आप लोग कटाए लास्ट का दो दिन? मेरे जो सब फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हैं, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जो पर्टिकुलरली बालेश्वर एंड भद्रक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन लोगों के साथ जो भी हुआ उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि लैंडफॉल वहाँ पर हुआ था यास का। और कल मैं न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ में जैसे बता रहे थे कि जितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हुआ है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान सबका डाक सुन ले और ये जो परेशानी अभी ऑलरेडी हमारे ज़िंदगी में चल रहा है उसके साथ ये नेचुरल कैलेमिटीज़ को जोड़ के बहुत ज़्यादा परेशानी के घेर में लोग रहे होंगे। सो चला जाएगा टाइम, दिस साल ऑल्सो पास अवे, और ये टाइम चला जाएगा, हम लोग बहुत जल्दी हमारे नॉर्मल कंडीशन को वापस आ पाएंगे, यही भगवान के पास प्रार्थना है। और सबका कोशिश जारी रहना चाहिए ये महामारी को हटाने के लिए, ये सब चीज़ से बाहर निकलने के लिए। जितना जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब ज़रूर होंगे, यही आशा के साथ मैं आज का दिन स्टार्ट करती हूँ। और जितने सारे लोग ये साइक्लोन में अफेक्टेड हुए हैं, भगवान के पास प्रार्थना करती हूँ जल्द से जल्द वो लोग वहाँ से निकल आए, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए हमारे उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है, पर्टिकुलरली बालेश्वर और भद्रक में जितने लोग रहे हैं, नॉर्थ उड़ीसा का जो पार्ट है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हुई है, बट ये नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा, भगवान है ना हमारे साथ, सब कुछ सही हो जाएगा, वही पॉजिटिव थॉट लेके हमको आगे बढ़ना है। चलिए, और बताइए सब कैसा चल रहा है, क्या क्या सब आप लोग घर में बना रहे हैं और क्या क्या सब नया नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे YouTube चैनल में मैं आजकल देख रही हूँ, हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता है इसलिए हम लोग ज़्यादा इनोवेटिव काम करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर टाइम बच्चों को दे पाते हैं, हस्बैंड को दे पाते हैं, खुद को दे पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी हैव टू लाइक आवर सेल्व्स। पहले खुद को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, फिर हम लोग परिवार का ख्याल ले सकते हैं, बच्चों का ख्याल, घर का ख्याल, जो बुजुर्ग हैं उन लोगों का ख्याल, सबका सबको हेल्प कर सकते हैं, वही है ना। सो आज कल मेरे एक्चुअली रात को मेरी एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन हो रही थी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, जो थोड़ी सी परेशान थी कुछ कुछ चीज़ों को लेके लाइफ में। तो उसके साथ बात करने के बाद मुझे लगा कि ये जो उसका जो वजह थी वो है बहुत अलग और बहुत कॉमन भी मैं बोलूँगी। सो वो चीज़ बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में होता ही रहता है, आपका भी होता है, मेरा भी होता है, हर कोई एज ग्रुप के लोगों के साथ होता ही रहता है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी वो चीज़ रहती है। वो आप लोग अभी सोच रहे होंगे मैं क्यों इतना आप लोगों को मैंने चीज़ डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली बोलूँगी क्योंकि मैं वो टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जिससे मैं सोचती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा मैंने क्या मैं मोटिवेट कर सकूँ। मोटिवेट कितना करूँगी मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि भाई इसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ और मैं ज़रूर बात करूँगी मेरे फ्रेंड्स के साथ। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आप लोग शॉप कोई वाकिफ होंगे एक वर्ड से जो है जेलसी। जेलसी वर्ड बहुत कॉमन है और हमारे जो डे टू डे लाइफ है इसमें हम लोग कहीं ना कभी ये वर्ड या उसका जो इम्पैक्ट्स है उसके शिकार हो चुके हैं बड़े से। जैसे मैंने बोला ये ऐसा एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये छोटों से लेके बड़े तक सब कोई एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालता है या हम लोग इतना इम्पैक्टेड होते हैं उसके लिए, उसको ऐसा भी हो सकता है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट नज़रअंदाज कर देने से ही हमारे भलाई है।
नहीं कर पाते तो बहुत सारे मुश्किल मतलब बहुत सारे परेशानी फेस करना पड़ते हैं हम लोगों को। आज मैं बताऊंगी ये जेलसी क्या है और ये जेलसी कैसे कैसे रूप में हमारे सामने आता है और उसको डील करने के लिए हम लोग हमारा जो पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है कि जेलसी लीड्स टू इनसिक्योरिटी, वो मेरा पॉइंट नंबर वन है। जो इनसिक्योरिटी का चीज़ है वो हर कोई ज़िंदगी का हर कोई मोड़ पे हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज़ धर लीजिए कि एक पेरेंट्स का एक बच्चा पहले है, 2-3 साल का बच्चा है, वो लोग प्लान किए हैं सेकंड बच्चे के लिए। सो सेकंड बच्चा जब आता है, जब न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने चलता है, जो बहुत एक्चुअली नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आप लोग देखते हैं कि जब न्यूबॉर्न बच्चा घर में आते हैं, बड़े बच्चे उसको चिमटियाँ काटते हैं, उसको थोड़ा मारते हैं, उनका क्या मतलब होती है? वो खुद इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है कि पापा या मम्मी उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ये सही भी नहीं हो सकता है क्योंकि हर कोई माँ बाप के लिए दोनों बच्चे इक्वल होते हैं, बट जो छोटा है उसको अटेंशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए माँ को ज़्यादातर माँ को ही उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। बट ये बच्चा जो 2-3 साल का है उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि जो मैंने आप लोगों को बोली कि माँ उसको ज़्यादा प्यार करती है मुझे नहीं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसका इनसिक्योरिटी डेवलप होता है, तो वो हर्ट करने लगता है छोटे बच्चों को। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे एक घर में 2 बच्चे हैं, एक देखने के लिए थोड़ा सा सुंदर है और दूसरा थोड़ा सा कम ब्यूटीफुल है। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट ए रेसिस्ट, एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन एस्पेक्ट, बट कभी कभी ये हो ही जाता है कि जो थोड़ा सा कम सुंदर है वो किसी का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा कम है या कुछ भी है, घर में जो लोग आते हैं, कोई फ्रेंड्स हुआ, कोई रिलेटिव्स हुई, वो लोग एक्चुअली कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली थोड़ा सा प्रेज कर देते हैं जो ज़्यादा सुंदर है। और तो बहुत सुंदर लग रही है, तेरा बाल तो बहुत सुंदर है और तेरा कलर निखर के आ रहा है, लोग बोल ही देते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं होता, लोग बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली दूसरे बच्चा जो थोड़ा सा जिसके बारे में बोला नहीं गया उसके अंदर इनसिक्योरिटी फील होती है एंड दैट चाइल्ड इज बिकमिंग जेलस ऑफ द अदर चाइल्ड। वो स्वाभाविक होती है, बट उसको ये नेचुरल एक चीज़ हो जाती है बच्चों के बारे में, दैट लीड्स टू मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये 2 चीज़ मैंने बोला, दैट इज़ इनसिक्योरिटी, हाउ इट लीड्स टू जेलसी। सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी रूडनेस। जैसे ये जो इनसिक्योरिटी है ये धीरे धीरे एक रूडनेस हमारे अंदर क्रिएट करता है। कैसे, सपोज आप, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, अब है ऑफिस एनवायरमेंट में सपोज 2 कॉलीग्स हैं, दोनों एक टीम में हैं, दोनों काम करने के लिए कोशिश करते हैं, एक का काम बॉस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बॉस क्या करता है, जिसका काम उसको ज़्यादा पसंद आती है फॉर वट एवर रीजन, जो भी हो सकता है उसके अंदर बहुत रीजन है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं जस्ट आपको बोलती हूँ द कंसिक्वेंसेस। सो जब बॉस उसको ज़्यादा एक जन को ज़्यादा लाइक करता है या करती है बिकॉज ऑफ वट एवर द स्मार्ट वर्क, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, वट एवर इट इज़। सो दूसरा जो कोवर्कर होता है he will be becoming jealous. उसको लगता है कि ये तो पूरा क्रेडिट ले जाता है, ये तो पूरा चीज़ बस कार्टन्स एंड ड्रॉ करने के लिए बहुत कुछ करता है। उसका माइंड में चलता रहता है कि मैं इसको नीचा दिखाऊँ, मैं इसको इंसल्ट करूँ, मैं वही तरीके से मैं उसके साथ फाइट करूँ। सो इसको बोलते हैं जेलसी। वो उसके बिहेवियर में थोड़ा रूड हो जाती है और उसको नीचा दिखाने के लिए कोई तरीके से तेरा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा ये जो कंप्यूटर बैग है वो इतना क्लासी नहीं है, कोई भी तरह से उसको पुट डाउन करना चाहता है या चाहती है। दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ रूडनेस। थर्ड जो पॉइंट है, कभी कभी क्या होती है ना, ऐसे एनवायरनमेंट है कि बहुत सारे डिजेबिलिटीज ह्यूमन बींग के अंदर रहता है। सपोज समबड़ी इज स्टैमरिंग, उसका
स्पीच का प्रॉब्लम है। सो हम लोग क्या करते हैं ना, वो जब बातें करता रहता है, माइट बी ही इज़ अ वेरी गुड डिबेटर, माइट बी ही इज़ अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, माइट बी ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, जब वो बातें करता रहता है या करती रहती है, ही और शी स्टामर्स। सो दूसरा पर्सन जो है ना, उसको कुछ सोच बिना सोच समझ के उसको इंसल्ट करना चाह कर देता है। उसमें उसका कोई इंटेंशन है कि नहीं है, हनी प्लीज़ सॉरी, हनी यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब कर रही है, हनी एकदम चुप करके बैठो, अदरवाइज आई विल सेंड यू आउटसाइड। सो टॉपिक के ऊपर आती हूँ। सो उनको हर्ट कर देती है और उसको इंसल्ट भी कर देते हैं हम लोग बिना कुछ सोच समझ के। सो उसमें क्या होता है ना, द अदर पर्सन फील्स वेरी डिमोटिवेटेड, द अदर पर्सन गेट्स हॉट, द अदर पर्सन यू नो उसको लगता है कि बिना कोई मतलब से मुझे इंसल्ट किया जाता है। सो ये गया थर्ड टाइप का चीज़। सेकेंड वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताई। अभी जो लास्ट पॉइंट है वो है कि शायद somebody is very fond of you, ओके वो आपका कजिन हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है वो आपका कॉलीग हो सकता है। एक्चुअली ही और शी लाइक्स यू ए लॉट, सो आउट ऑफ दिस ही और शी पासेस सम कमेंट टू यू, कुछ भी कमेंट किया, कुछ भी आपके बारे में बोला, कुछ भी आपको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को बता रही हूँ, सपोज कोई बोला यू लुक लाइक ए रैबिट, सो उसका मतलब नहीं होता आप लोगों को हर्ट करना, या ही और शी इज जेलस ऑफ यू, बट हमको लगता है कि आउट ऑफ जेलसी ही इज पासिंग दिस कमेंट टू मी, ये भी हो सकता है। सो उसका इंटेंशन नहीं होता आप लोगों को हर्ट करने के लिए शायद, बट उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर से हम लोग हर्ट कर जाते हैं एंड हर्ट हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम लोगों के रिलेशनशिप में भी इसका असर पड़ता रहता है। सो जेलसी का ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसके अंदर वो जेलसी जिसके अंदर आता है उसका बिहेवियर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद द अदर पर्सन फील्स इंसल्टेड। एंड जब ऐसा कोई रिलेशनशिप दोनों के बीच में चलता रहता है तब वो एक बहुत ज़्यादा यू नो बैड डायरेक्शन में चला जाता है। ये चीज़ से आता क्यों है मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताना चाहती हूँ कि कभी कभी लोगों को लगता है कि ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, इट्स जस्ट लाइक ए पिज्ज़ा, ओके पिज्जा का एक बड़ा पोर्शन शायद किसी को मिल गया, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। सो जो पोर्शन मिल गया, बाकी जो हिस्सा बच गया हम सबके लिए है, और हमको लगता है वो हिस्सा बहुत कम हो जाएगा हमारे लिए, वो जो हमारे लिए हिस्सा कम हो जाएगा उसके भय से, उसके डर से हम लोग के अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग क्रिएट हो जाती है, वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, हम लोग को इनसिक्योर लगता है, क्योंकि दूसरों के सक्सेस हमारे लिए एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है, लगता है कि पूरा तो वो ले गया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, हम लोग को नहीं मिलेगा, वही है थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, दैट मीन्स कैसे पर्सनैलिटी डेवलप करें टू डील विथ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। चलिए मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आके आपके साथ बात करती हूँ, क्योंकि हनी को मुझे दरवाज़ा खुला करके बाहर छोड़ना है। सो आती हूँ दो मिनट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सॉरी मुझे जाना पड़ा हनी को छोड़ने के लिए, मैं आ गई। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो जेलसी है, वो जेलसी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बोली, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आता है और इसके वजह से कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरे जब कोई somebody is you know like celebrating his success, सो हम लोग फिजिकली आके वहाँ पे उसके सक्सेस में भागीदार होने के लिए पहुँच जाते हैं, बट अंदर से अंदर जलन होता ही रहता है, इतना बड़ा सक्सेस उसको मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, मुझे भी मिलना चाहिए, वो चीज़ होती रहती है। बट इसको हम लोगों को बहुत टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को रहना है पॉजिटिविटी के साथ। सो कैसे डील करेंगे वो पर्सन को हु इज़ जेलस ऑफ यू, उसके लिए आपको खुद का थोड़ा पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए 3-4 पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूँगी, पता नहीं आप लोगों को सही लगेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि आप ये इसको आजमा के एक बार देखिएगा और आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा।
जो फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ वो है रेस्पॉन्डिंग इज बेटर देन रिएक्टिंग। सो आप लोगों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए और रेस्पॉन्स जो होना है ना, इसमें जो आदमी आपके ऊपर जेलस है या एज ए रिजल्ट ऑफ जेलसी वो आपको इंसल्ट करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसको क्लियरली आप लोगों को बोलना है कि हाउ यू एग्जैक्टली फील व्हेन सी और ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस प्रेजेंस। उसको जानना जरूरी बहुत है, ना कि आप उसको आपके मन के अंदर रख के खुद पे खुद हर्ट हो जाए, वो फायदा लेके वो बार बार आपको हर्ट करें। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं एक्चुअली रिस्पॉन्ड करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करके खुद को मुझे शांति मिलता है, मुझे चीज़ को छुपानी नहीं है, मुझे किसी का बात अच्छा नहीं लगता है, कोई मुझे नीचे दिखाने का कोशिश करता है या करती है तो मैंने उसको पूछती हूँ क्यों, व्हाई ऑल दिस। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप क्लैरिफाई कर दें, आप रिस्पॉन्ड करें आप उस चीज़ के बारे में, और आप ऐसा उसके बोलने से आप कैसे फील कर रहे हो, हाउ यू एग्जैक्टली फील, उसको बताना चाहिए। वो चीज़ होने से उसको खुद को बताना पड़ेगा व्हाई इज ही और शी इज बिहेविंग विथ यू लाइक दिस। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नंबर टू जो चीज़ मैं बोलूँगी उसको डील करने के लिए, इग्नोर ऑल दिस। आप लोगों को इसको इग्नोर करना पड़ेगा। कैसे आप इग्नोर करेंगे? इग्नोर करने का बहुत सारे एक्चुअली तरीके हैं। सपोज आप एक ग्रुप में बैठे हो, कुछ डिस्कशन हो रहा है, वो आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो सपोज कोई आपको यू नो लाइक ए जेलस पर्सन पॉइंट्स हिज फिंगर टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो आपको आप उसको रियलाइज किए कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए। सो क्लेवरली चेंज द टॉपिक, जो टॉपिक पूरा अनरिलेटेड है और वो टॉपिक में रेस्ट ऑफ द लोग जो है उनको इन्वॉल्व कर दें। सो क्या हुआ, आप इग्नोर तो किए, इग्नोर किए इन्हें पॉजिटिव हुए, दूसरों को पता नहीं चलेगा। चेंज ऑफ टॉपिक के वजह से सबका कंसंट्रेशन दूसरे टॉपिक के ऊपर चला जाएगा और जो आदमी या जो औरत जो भी हो आप तो आपको वो जेलस है, वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसका टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि आप कितना इंटेलिजेंटली टॉपिक चेंज कर दिए। या और एक चीज़ है कि वो टॉपिक को ब्रेक करने के लिए आप एक्सक्यूज़ मी बोल के टॉयलेट में चले जाइए, जाके होटल में बैठे हैं तो वेटर के साथ बात कीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए, बट ब्रेक दैट टॉपिक एंड चेंज द टॉपिक। वो है मेरा सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है एक्चुअली बहुत एक अमोघ अस्त्र जैसा है, वो है यूज ह्यूमर टू ब्रेक द टॉपिक, ठीक है, टू ब्रेक दैट यू नो सिचुएशन वेयर यू आर व्हेन समबडी इज यू नो लाइक जेलस, समबडी इज टेलिंग यू समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक एंड ऑल। आप लोगों को वो एक न्यू सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ वो टॉपिक को ब्रेक कर देना है। वो टॉपिक आप ब्रेक कर दोगे तो अपने आप वहाँ जो भी हो, जो सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करने का मतलब ये होती है कि एक पॉजिटिव वे में आप जाओगे। सो ह्यूमर के साथ कोई आपको बोला, सपोज कि आप रैबिट जैसा दिखते हो, सो आप उसको एक्चुअली बोलना चाहिए या बोल सकते हैं कि अरे रैबिट इतना सुंदर है, रैबिट जैसा दिख रही हूँ, सच में है क्या? सो मुझे नहीं पता चला कि मैं रैबिट जैसा दिख रही हूँ। सो उसमें क्या होता है, एक्चुअली वो समझ पाएगा कि आप टॉपिक को ब्रेक कर रहे हो, आप वो जो मतलब से आप लोगों को आपको बोलना चाहती थी, आपको इंसल्ट करना चाहती थी, आपको इंफीरियर दिखाना चाहती थी, वो चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगा। एंड जो फोर्थ पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ वो है कि इंडल्ज योरसेल्फ इन सेल्फ केयर। कैसे? आप लोगों को कोई एक्चुअली क्या बोलूँ, जो से मैं कोई जानबूझ के आपको परेशान करना चाहते हैं, कोई जानबूझ के आपको ऊपर आपको इंसल्ट करना चाहता है आउट ऑफ जेलसी, सो उसमें क्या है ना, आप बहुत टूट जाते हो, आपको बहुत ख़राब लगता है, आपका आप जानबूझ के हो या ना हो आपको चीज़ एक्चुअली हर्ट करती है। सो इन दैट सिनेरियो
हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंडल्ज इन सेल्फ केयर। हम जाएंगे जाके कहीं पे एक अच्छा सा मसाज लेके आइए, जाइए कहाँ पे हो सकता है तो, टाइम परमिट करता है तो किसी के साथ जाके बात करके आइए, आराम से गप्पे मार के आइए, किसी के साथ जाके आपका एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट या लंच शेयर करके मौज मस्ती करके आ जाइए, या आप खुद को पैम्पर कीजिएगा विथ ए ब्यू नो लाइक एक फेस मास्क, अच्छा सा फेस मास्क लगा के, अच्छा सा हेयर ड्रेसिंग करके, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है ना वही चीज़ करनी चाहिए। सो ये जो चार पॉइंट मैंने आप लोगों को बोले डील करने के लिए जेलसी को, या जो क्या बोलूँ आपको, जो डील करने के लिए उसका कॉन्सिक्वेंसेस को, वो बहुत ज़रूरी है। आप उसको आजमा के देखिए और आप लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, टू डील विथ दिस जेलसी, बिकॉज ये लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हैं। लोगों को चेंज करना हमारे बस में नहीं है, बट खुद को चेंज करना, खुद का पर्सनालिटी को डेवलप करना टू डील विद द सिचुएशन बहुत ज़रूरी बन जाता है। सो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, बट मैं ट्राई की हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग इसको फेस करते हैं, हर कोई जगह में हम लोग फेस करते हैं, जब किसी के साथ भी होता है, आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। सो इसको हम लोग जैसे डील करेंगे हमारा लाइफ उतना ईजी हो जाएगा। सो आज ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को एक लाइक देना और शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और जो मेरे चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जब मैं इस वीडियो शेयर करूँगी मेरे चैनल में आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए आज के लिए उतना ही, फिर मिलेंगे और एक बहुत अच्छा वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे सेफ।